बांसुरी पर मंगल आवान, राग का नाम जन सम्मोहिनी, ये जो रचना है प्रकट हुई पंडित रविशंकर के शरीर के माध्यम से इस पृथ्वी पर। बांसुरी के नमस्कार इस तरह से रहते हैं, दोनों हाथ या एक हाथ राइट हैंड से बांसुरी को दिव्य प्रेरणा क्षेत्र जिसे पतंजलि ऋषि कहते हैं सहस्त्रार चक्र, बांसुरी को ऊपर उठाए। इसके छिद्र है आकाश की ओर, जो संपर्क है गांधर्व लोक की दिव्य प्रेरणा का। बांसुरी का फूंक का छिद्र स्पर्श करते हैं आज्ञा चक्र दो भ्रमर के बीच, हल्का सा स्पर्श भीतर से ध्यान स्पर्श की ओर। बांसुरी को रखते हैं नासिका छिद्र के पास, कम से कम तीन उच्छ्वास टकराने दे। बांसुरी का स्पर्श कंठ चक्र से बांसुरी को जीवन करने की प्रक्रिया, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते हैं, आमंत्रित करते हैं असीम को, अज्ञात को, परम शक्ति को, आद्य शक्ति को, पराशक्ति को। बांसुरी को स्पर्श करें छाती का मध्य स्थान अर्थात भाव शरीर, सुर के साथ भाव भी जुड़ता है। दोनों हाथों से फिर से आज्ञा चक्र के समकक्ष या इससे ऊपर रखा जाता है छिद्रों को आकाश की ओर। बांसुरी के साथ नमस्कार छाती का मध्य स्थान। आह्वान का अर्थ है आमंत्रण, राग जन सम्मोहिन। इसका विज्ञान पहले सांप को लंबाते हैं जिसका स्थान है नाभि केंद्र। खरच के स्वर अर्थात सा से नीचे मूलाधार चक्र की शक्ति का प्रागट्य। दोनों विकृत नहीं होते, विकार नहीं इसमें, शुद्ध स्वर कहे जाते हैं सा और प को। आधा स्वर इसमें नहीं ले दिया जा सकता तो प को भी लंबाते हैं जितनी उच्छ्वास चले। तार सप्तक का अर्थ है आज्ञा चक्र से ऊपर के शक्ति चक्रों के साथ संपर्क।
बांसुरी को स्पर्श करेंगे, आज्ञा चक्र थूक को निकालेंगे गले में, बांसुरी के बाद थूक का गले में निकालना बहुत जरूरी, नहीं तो गला शुष्क हो जाता है। नासिका छिद्र के पास कम से कम 3 उच्छ्वास, गले का मध्य स्थान स्पर्श करें, छाती का मध्य स्थान, भाव शरीर सुर के साथ भाव जुड़ते हैं। जिस बांसुरी से हमने मंगल आह्वान किया, परम शक्ति को, पराशक्ति को, आद्य शक्ति को, परमात्मा को, दिव्य चेतनाओं को, बांसुरी को समकक्ष रखे, आज्ञा चक्र या इससे ऊपर, बांसुरी का नमस्कार फिर से छाती के मध्य स्थान पर ध्यान केंद्रित करें, आज्ञा चक्र इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीव का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्व जीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे, इस सुभाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ प्रातःकाल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, अर्थात दिव्य वाणी की पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात, हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस अर्थात आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स अर्थात दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय नटराजपुरम खेड़ ब्रह्मा गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को पराशक्ति से, आद्य शक्ति से, परम शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को शांति और संतोष के साथ किस तरह से जीवन जिया जा सकता है, जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन प्रदान करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा, परम संपत्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है
जीवन के जो विविध रंग है, विविध रंग, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी हार कभी जीत, अमीरी गरीबी, पैसा होना ना होना, रहने के लिए आवास होना ना होना, खाने के लिए रोटी मिलना ना मिलना, पहनने को वस्त्र मिलना ना मिलना, ये जीवन के विविध रंग। इसमें अपने भीतर स्थिर होकर किस तरह से जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन भी प्रदान करना, इसकी ट्रेनिंग भी देना, ये उद्देश्य है दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय का। जब से हम जागे स्मरण आया, निद्रा से जागे, निद्रा अर्थात विस्मरण, विस्मरण अर्थात भूल जाना, मेरा नाम क्या, पिता का नाम क्या, मेरी जाति क्या, मेरी ज्ञाति क्या, मैं अमीर हूं मैं गरीब हूं, मेरे पास पद है नहीं है, प्रतिष्ठा है नहीं है, कौन मेरे दुश्मन कौन मेरे मित्र, विस्मरण। कौन सा कुटुंब, कौन मेरी पत्नी, कौन मेरी माँ, कौन मेरी बहन, कौन मेरा भाई, कौन बच्चे, बच्चे के नाम, विस्मरण, निद्रा। ठीक से समझो, हर दिन जब तुम जागो, समझो जन्म हुआ, स्मृति आ गई, वापिस वापिस लौट आई, मेरा नाम क्या, जाति क्या, दुश्मन कौन, मित्र कौन, किसको मैंने 1,00,000 रुपया दिया है, किससे 1,00,000 रुपया लेना है, ना सॉरी रुपया नहीं, अब डॉलर, लेटेस्ट फैशन। स्मरण आया, जब से स्मरण आया, जब से तुम जागे, समझो नया जन्म मिला। अंकिता का जन्मदिन आज, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुझिए हजारों साल, ये हमारी है आरजू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अवर डियर अंकिता, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अवर डियर अंकिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन जैसा हैप्पी बर्थडे आता है, मुझे जो डर लगता है वो केक का। ब्रिटिशर चले गए लेकिन जो हमें दे गए बेट केक, उस पर मोमबत्ती जलाना और फिर उसे बुझाना, एक दिया ही काफी है, एक केवल एक दिया, बुझाना नहीं है, प्रगटाना है, प्रगटाना। जो जीवन गया गया ही, हजार कोशिश करे वो वापिस नहीं आएगा, जो जीवन हाथ से गया गया, समाप्त हो गया। जन्मदिन का मेरा जो मैसेज है, संदेश है, इस तरह से, रोज सुबह में जागो, परमात्मा का आभार कि हमने कुछ ऐसा तो किया कि परमात्मा अभी खुश है, उसने आज का दिन भी दिया कि ले बेटा जी तू आज का दिन। जब रात को विस्मृत हो जाओ, समझो मर गए, गया हाथ से, बस पूरा आज का दिन पूरा समाप्त, उसके साथ पूरा समाप्त, दुश्मनी समाप्त, जिससे क्रोध किया, घृणा किया, तिरस्कार किया, सब समाप्त। नया दिन जब से हम जागे, नया जीवन प्रारंभ, जो जा रहा है महाजीवन की ओर, यहां पर समाप्त नहीं। जिसने जाना, जीवन को जाना, उसने ये जाना कि ये मृत्यु लोक है,
आप और मैं, हम सब मृत्यु लोक के यात्री, हम जिस शरीर स्वरूप की नाव में विराजमान है, ये छेद वाली नाव है। हजार कोशिश करे इसमें पानी भरता ही जा रहा है, किसी भी क्षण ये शरीर हमारा साथ छोड़ सकता है। इसीलिए सावधान, शरीर को सत्य मत मानना, शरीर साधन, केवल साधन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट मेड बाय परमात्मा। इस जगत का कोई इंस्ट्रूमेंट शरीर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते आप। जो भी हम बाहर खोजते हैं, जो भी बाहर की खोज है, सारी की सारी खोज हमारे भीतर से आती है। हमारा जो जीवन है बहिर्गामी, बाहर बाहर भी, अंदर अंदर भी। जैसे हमारी दो आंख खुली, अभी आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, ये बहिर्गामी जीवन जिससे दो आंखों से हम संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरी आंख को नहीं भूलना है, तीसरी आंख जो भीतर देखती है। भीतर देखने के लिए दो आंख की जरूरत नहीं, आत्मा एक, परमात्मा एक। आत्मा का अर्थ है अंतर्गत अवकाश, आत्मा का अर्थ है इंटरनल स्पेस और उसके साथ संबंधित शक्ति। शक्ति कभी नष्ट नहीं कर सकते, शक्ति रूपांतरित होती है एक शक्ति से दूसरी शक्ति में, लेकिन नाश असंभव। आत्मा अर्थात इंटरनल स्पेस, जिस तरह से बाहर की जगह, अनंत ब्रह्मांड, अनंत असीम ब्रह्मांड, जिसमें सूर्य भी है, चंद्र भी है, तारे भी है, ग्रह है, उपग्रह है, अनेक। यहां पर ये सीमित नहीं, जितनी हम हमारी आंखों से देखते हैं इस आकाश को, अनंत आकाश को, वहां तक ये सीमित नहीं है। ये अनंत, अनंत विस्तार बहिर्गामी जिसका नाश संभव नहीं। सूर्य नष्ट हो जाता है क्योंकि प्रकट हुआ सूर्य, उसने जन्म लिया, उसका नाश संभव। जिसने जन्म लिया, ठीक से समझे, सत्य जीवन का जो सत्य है किस तरह से समझना है, जिसने जन्म लिया उसका नाश सुनिश्चित, जिसका नाश सुनिश्चित उसका फिर से जन्म। लेकिन जिसने जन्म ही नहीं लिया उसका नाश भी संभव नहीं। वो है केवल एक, केवल एक, वो है अवकाश। चाहे वो बहिर्गामी अवकाश हो, चाहे वो हमारे अंदर का आकाश हो, जिसका नाश संभव नहीं। और ये जीवन की सार्थकता उस दिन सिद्ध होती है जिस दिन हम हमारे अवकाश को पा लेते हैं, हम हमारे अंतर अवकाश को समझ लेते हैं, पा लेते हैं, उसका दर्शन कर लेते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं। जो हम खोज रहे हैं इस पृथ्वी पर, ये प्रश्न है हर इंसान के लिए, प्रश्न है कि हम क्या खोज रहे हैं इस पृथ्वी पर। हम जो इतना काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो कुछ भी करते हैं, द्रव्य जमा करते हैं, हम हमारा बंगला बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, उद्देश्य क्या है इस जीवन का उद्देश्य? हम ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? जो कुछ भी कर रहे हैं हम, ये किस लिए कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? ये सब को पूछना है, अपने से पूछना है। धर्म का अर्थ है जीवन जीने की कला को समझना। जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ स्वाद है वो किस तरह से लिया जा सकता है? क्या जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद लेने के लिए खरबोपति होना जरूरी है, अरबोपति होना जरूरी है? वो ही केवल जीवन का स्वाद लेने के लिए अधिकारी है जिसके पास खरबों रुपये है, उसे ही जीवन का स्वाद मिलता है केवल। ये प्रश्न है आपकी समझ के लिए, ये प्रश्न है मेरा आपकी समझ के लिए,
कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद लेने के लिए कितने कपड़े चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए, कितने बंगले चाहिए, कितने फार्म हाउसेस चाहिए, कितने फ्लैट्स चाहिए। और ये सब कुछ आ जाने के बाद भी हमें देखना है जीवन में शांति मिली, जीवन में संतोष प्रकट हुआ, संतोष। जीवन जीते 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 हमें ये देखते जाना है कि हमारा जीवन जैसे हम जी रहे हैं, भीतर से हम समृद्ध होते जा रहे हैं या भीतर से दरिद्र होते जा रहे हैं, भीतर से दरिद्र। जैसे जैसे हम जीवन जीते हैं, हमारी मित्रता हमारे साथ बढ़ती है, हमारा प्रेम हमारे साथ बढ़ता है, अपने साथ। क्योंकि रहस्य ऐसा है, जिसने अपने को प्रेम किया उसने पूरे जगत को प्रेम किया, पूरे विश्व को। जिसने अपनी कदर की, अपने होने की कदर की, उसने पूरे विश्व की कदर की, उसने परमात्मा की भेंट की कदर की, कि ये जीवन का मिलना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। जीवन का मिलना, जहां पर अभी हम सांस उच्छ्वास चल रहा है, अभी है हमारे हाथ में जीवन, अपॉर्चुनिटी तक है, आज का दिन, ये समझना है, ये समझना। मनुष्य जीते 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 संतोष की ओर जा रहा है तो रास्ता सही है, शांति की ओर जा रहा है रास्ता सही है। ये परम संपदा तुम्हें शांति के लिए बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें डॉलर चाहिए, तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा तुमने बहिर्गामी यात्रा शुरू की, अभी विज्ञान ऐसा है, तुम अमेरिका अपने आप पहुंच जाओगे, कुछ करने की भी जरूरत नहीं। जैसे दो ही पोल है इस पृथ्वी पर, जैसे तुमने अंतर्गामी यात्रा शुरू की, तुमने ध्यान देना शुरू किया कि मेरे जीवन में शांति है, संतोष है, मेरा प्रेम है मुझसे। अगर मेरा प्रेम मुझसे है, किससे पता चलेगा कि तुम्हारा प्रेम तुमसे है कि नहीं? कसौटी क्या है? तुम क्रोध नहीं करोगे, तुम घृणा नहीं करोगे। अगर तुम्हारा प्रेम तुमसे है तुम ईर्ष्या नहीं करोगे, तुम तिरस्कार भी नहीं करोगे किसी का। तुम्हारा प्रेम तुमसे है, तुम ऐसी चीज नहीं खाओगे जिससे तुम्हें बुखार आ जाए। तुम सावधानी रखोगे कि कितना ही स्वाद हो इस चीज में, लेकिन ये मैं खाऊंगा मुझे जुकाम हो जाएगा, मेरा गला बैठ जाएगा। ये प्रेम है अपने प्रति, रिस्पेक्ट कि जो शक्ति है, जीवन जीने की शक्ति मिलना, इससे तुम कौन सौभाग्य मानते हो? पहले तो मैं ये कहता हूं कि इसमें जन्म मिलना, जैसे जैसे तुम समझते जाओगे अपने को, तुम्हें कदर होती जाएगी इस देश की, कि कितना सुंदर देश जिसमें हमारा जन्म हुआ। पृथ्वी के हर एक कोने में आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। तुम यहां की ऋतुएं देखो, सूर्य का प्रागट्य देखो, यहां पर तुम सूर्य को देख सकते हो, सूर्य को। सौभाग्य है कि तुम प्रकट होते हुए सूर्य को देख सको, ये सौभाग्य है। कभी तुम देखना, यहां अरवली के पर्वत में से सुबह में सूर्य निकलता है, सूर्य निकल, तुम उसकी शान देखना, खाली सूर्य प्रकट होता है, जो हमारे बहिर्गामी जीवन का सोर्स है, नॉट द डॉलर। सूर्य प्रकट होता है, केसरी पीला रंग, सोनेरी रंग, उस रंग का हम नाम भी नहीं दे सकते कि इसे कौन सा रंग है, इतना जीवंत रंग। और उसकी किरणें हमें छूती है,
जिसके साथ बहुत सी दैविक शक्ति हमें छूती है। अगर तुमने ना देखा हो तो यहां ये प्राप्त है, सौभाग्य है तुम्हारा कि इस जगत से तुम देख सकते हो। अरवली के पर्वत में से जब सूर्य निकलता है, जब भी तुम ऐसे स्थान पर जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी, चाहे मंदिर है कोई या कोई गुरु का स्थान है, आश्रम है, जहां भी जाओ, तुम जरा देखने की कोशिश करना कि सुबह होती है और सूर्य प्रकट होता है, पूरा धीरे 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 पर्वत में से बाहर निकलता है सूर्य और अस्त होता है सूर्य, धीरे 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 अस्त हो जाता है। ये जीवन के अमूल्य क्षण है, अमूल्य क्षण, क्योंकि अंत में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज कितने ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर, कितने असंख्य लोग जो बिस्तर पर सो गए, बिस्तर पर, अब उसका शरीर उठेगा नहीं, पूरा हो गया, समाप्त हो गया। ये जीवन आ जाए उससे पहले समझ लेना है, जीवन का सत्य समझना है। जीवन का सत्य क्या हमसे बाहर है, क्या कहीं जाना पड़ेगा हमें जीवन का सत्य समझने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए कहीं जाना पड़ेगा? जो हमारा प्रेम है हमसे कैसे पता चलेगा? तुम उबोगे नहीं, अगर तुम्हें अकेला रहना भी पड़ा, कहीं अकेला रहना भी पड़ा, हम उब जाते हैं, डर जाते हैं, अपने से ही हम डरते हैं, अपने से ही। तुम देखो, हमें जब मिलता है अवसर अकेले रहने का, मैं ट्रेनिंग देता हूं, यहां जो आते हैं उसे भेजता ही हूं वापिस के, जाओ अब तुम अकेले रहो, जब मुझे लगेगा तुम्हारे लिए यहां ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, फिर से तुम नए अनुभव के साथ ऊपर उठोगे। यहां के क्षण तुम बिगाड़ोगे नहीं, यहां के एक एक क्षण का, एक एक दिन का उपयोग तुम तुम्हारी ऊर्ध्वगामी गति में करोगे। हम क्यों डर जाते हैं जब हम अकेले हो जाते हैं, कोई नहीं साथ में, न कोई साथी न संगाथी, हम तो है हमारे साथ, फिर भी क्यों अकेलापन लगता है? ये समझ है, ये सोचना है कि अगर हम अकेले रहते हैं और हम डर जाते हैं, हम ऊब जाते हैं, मुश्किलों से घबरा जाते हैं, हम भाग जाते हैं, मुसीबतों से भाग जाते हैं, बेचैनी से भागते हैं, समझना ठीक से, जहां से तुम भागे वो मुसीबत तुम्हारा पीछा करेगी। तुम मुझे पूछोगे भविष्य, मैं तुम्हें कह दूं एक लाइन में, जहां से तुम भागे, जिस मुसीबत से तुम डर के भागे, वो तुम्हारा भविष्य, वो तुम्हें आगे पार करना, तुम खुद, तुम स्वयं। ये प्रिंसिपल कितना सही है या गलत, तुम जी के देखो। जैसे कि आज का दिन, आज का दिन प्रगाढ़ता के साथ जीना है, इसका क्या मतलब प्रगाढ़ता के साथ? जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, मेरा प्रश्न है कि आप मुझे 100% सुन रहे हो या तुम्हारे भीतर कुछ और चल रहा है? कुछ और, ये समझ है, मैं तुम्हें खाली तुम्हारे अंतर जगत का दर्शन करवा रहा हूं। अंतर जगत हमारा क्या है? जैसे कि हम बैठे यहां है, मन कहीं और है, विचार किसी और का है, जहां पर हम है अभी, है अभी आप मुझे सुन रहे हो, प्रक्रिया है अभी आप मुझे सुन रहे हो। मेरा प्रश्न है कि आप मुझे 100% सुन रहे हो? ये देखना है, ये समझ। मैं नहीं ऐसा कहता कि आप नहीं मुझे सुन रहे हो 100%, मैं ऐसा नहीं कहता। ये आपकी समझ के लिए प्रश्न है कि जीवन कैसे हम चूकते हैं। जैसे आज का दिन है और मैं आपको कहूं कि पूर्णता के साथ जीना है, आज का दिन खोना नहीं है,
अर्थात जितना हम प्रयत्न कर सके, जितना मैं बताता हूं तुम्हें रीत कि पूरी क्षण को जीना है, पूरे दिन को। दो आंखों से बहिर जगत का संपर्क अभी मैं आपको देख रहा हूं, इसके साथ साथ भीतर देखने वाली आंख है, तीसरी आंख जिसे कहते हैं, इसके साथ अंतर जगत का संपर्क, अंतर जगत। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तब कौन सा वाक्य प्रकट होगा, कौन सा भाव मेरे भीतर जग रहा है, मुझे कितना बोलना है, आज के दिन में तुम्हें कितना कहना है, आज के दिन में आज के लिए जो जरूरी है वो कितना कहना है, तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी हैरान करने वाली बात है जिससे बाहर निकाल के खींच लेना है, जिससे ऊपर ला के खींच लेना है, इसके लिए मुझे कौन से शब्द, कौन से वाक्य चुनना है। ये प्रक्रिया हो रही है अंदर, उसे भी मैं देख रहा हूं, तुम्हें भी देख रहा हूं, इसी तरह से तुम देख सकते हो, तुम दो आंखों से मुझे देख सकते हो, बाहर का जगत देख सकते हो, उसके साथ तीसरी जो आंख है अभी खुली आंख से तुम्हारे भीतर देख सकते हो कि मेरा विचार ये चल रहा है, मेरे भीतर ये भाव जग रहा है, अभी कुछ मैं कह रहा हूं तुम्हें लगता है ये बात ठीक है, स्वीकार करोगे, कोई है तुम्हारे भीतर जो स्वीकार करेगा ना ये बात ठीक है, कुछ बात ऐसी होगी तुम कहोगे ना ये ठीक नहीं है, तुम्हारे दरवाजे बंद हो जाएंगे अंदर से कि ना, अस्वीकार आएगा अपने आप, होता है। ये अंतर जगत है जिससे मैं परिचित कर रहा हूं। हम पूरा दिन जीते हैं, पूरा दिन, जैसे मैं कहता हूं आज का दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट फिर से हमारे हाथों में, आज तक जो हम भूल करते आए हैं हो जाती है या हो जाती है या हो गई है, पहले तो जिसे धर्म में आगे काम करना है सबको करना है, आज नहीं तो कल। धर्म का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की कला, धर्म का अर्थ है जीवन जीने की समझ, आज नहीं तो कल। ये हुनर सीखना ही है कि किस तरह से हर परिस्थिति में मैं प्रसन्न ही रहूं, चलो मैं प्रसन्न ही रहूं। आज के दिन को अगर तुम्हें समझना है तो मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, दिस इज द यूनिवर्सिटी होमवर्क, प्रैक्टिकल वर्क, कि पूरा दिन है, पूरा दिन तुम प्रसन्नता से जी सकते हो, पूरा दिन है, बिना क्रोध से तुम जी सकते हो, पूरा दिन है, बिना घृणा तिरस्कार किसी व्यक्ति के प्रति फरियाद, किसी परिस्थिति के प्रति फरियाद, इसके बिना हम जी सकते हैं, ये समझ है, ये समझ। अगर तुम जी सकते हो इसका अर्थ है तुम प्रविष्ट हो गए आत्मिक क्षेत्र में, अपने आत्मा के क्षेत्र में तुम प्रविष्ट हो गए, भीतर का जगत है उसके संपर्क के लक्षण है, स्वयं के प्रति प्रेम, आदर, मित्रता, जिसके परिणाम है, जिसके परिणाम आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, शांति, संतोष, सरलता, सहजता, मौलिकता, निर्भयता, उदारता, निश्चिंतता, स्पष्टता, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, समझ, स्मरण, जागृति। क्या तुम्हें एक एक पर काम करना पड़ेगा? इसका मतलब ये है तुम्हें एक एक का एक पर काम करना पड़ेगा कि अभी मैं आनंद पर काम किया, अब दूसरा घंटा मैं उल्लास पर काम करता हूं, अब तीसरा घंटा मैं संतोष पर काम करता हूं। ये अंतर के जगत की आपकी अपनी संपदा, आपकी अपनी निजी संपदा,
तुमने पाई ये तुम है, इसका संगात हर हमेशा तुम्हारे साथ। तुम जितना भी जन्म लेना चाहो, इस पृथ्वी पर आना चाहो, जाना चाहो, लेकिन ये संपदा तुमने पाई कि ये तुम्हारी, इसलिए इसे कहा जाता है परम संपदा। परम संपदा का अर्थ है ये कभी साथ नहीं छोड़ेगी, ये संपदा साथ नहीं छोड़ेगी। लौकिक संपदा है जो बाहर की संपत्ति है, जिसको ठीक से समझो तो द्रव्य मटेरियल। सबसे करीब का जो मटेरियल है, अगर सबसे करीब का मटेरियल हम समझे तो हमारा शरीर, हमारा शरीर कुछ और नहीं मटेरियल, हार्ड मास मज्जा। तुम ऐसे शरीर को देखो तो इस शरीर में ऑपरेट हुआ शरीर तुम देखो तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, हार्ड मास मज्जा अर्थात द्रव्य। तुम बाहर के द्रव्यों से तब तक सम्मोहित होते हो, हीरा माणिक मोती डॉलर रुपया पैसा गाड़ी बंगला, तब तक तुम सम्मोहित होते हो, इंप्रेस होते हो, जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते। स्वयं को जैसे तुम अपने शरीर को जानना शुरू करते हो, समझना शुरू करते हो, दर्शन करना शुरू करते हो, अपने आप तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी शक्ति अंतर्गामी होना शुरू होगी, अंतर्गामी। अब तुम इंप्रेस होगे शांति से, कोई एक व्यक्ति है उसके मुख पर तुम शांति देखोगे, तुम्हारा जी खींचेगा उसके पर। और तुम किसी व्यक्ति में प्रसन्नता देखोगे, सद्गुण देखोगे तो अपने आप खींचोगे, अपने आप तुम्हारा जी परिपक्व हो गया, परिपक्व। बाहर के जगत के अनुभव से परिपक्वता आ गई, परिपक्वता। तुम्हारा ये अनुभव हो गया कि ये सब कुछ होते हुए शांति नहीं है जीवन में, नींद नहीं आ रही है ठीक से, भविष्य के लिए बेचैनी है, डर, भविष्य के लिए निश्चिंता नहीं है, भीतर निश्चिंत नहीं हम, क्या हो जाएगा, ये होगा और हमारे पास रुपया नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, रुपया नहीं और हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ तकलीफ आ जाएगी, ये डर, इससे बाहर निकल जाओगे। जैसे 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 तुम प्रगाढ़ता से जीवन जीना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, समझना, वैसे वैसे तुम्हारा लक्ष्य हो जाएगा जो परम संपदा है, जो कहीं जाती ही नहीं, ऐसी निश्चिंतता, ऐसी निश्चिंतता और निर्भयता भविष्य के लिए कि कोई डर ही न रहा, भविष्य ही समाप्त। परिणाम है, ठीक से तुमने जीवन जिया, तुम्हारा प्रवेश अकाल में, भविष्य रहा ही नहीं। ये जीवन का ढंग है जिसे कह सकते हैं हम मूमेंट टू मूमेंट। जीवन किस तरह से है, सूक्ष्म जीवन, एक सांस मेरे भीतर आती है, ताजी नई सांस, प्रति पल भेंट, परमात्मा की प्रति पल भेंट, जिसके हमें कोई कदर नहीं। अंत में कितना रुपया हो हम उसे दांव पर लगा देते हैं कि हम बच जाए, लेकिन हमें देखना ये है कि जब हम बचे हुए हैं तब हमारा जीवन का हम करते क्या है, जब हम बचे तब कितनी व्यर्थ बातों में हमारा जीवन बीत जाता है। और सच में जब आ जाता है मौत द्वार खटखटाता है हमारा, इसलिए मैंने इस इंस्टीट्यूट का नाम ही महामृत्यु से शुरू किया, महामृत्यु से, मृत्यु द्वार खटखटाती है, घबरा जाते हैं कि अब क्या हो गया, गया जीवन हाथ से गया, और जब जीवन हाथ में है तब हम चुप जाते हैं। जैसे आज का दिन मिला है तो हमें कदर होनी चाहिए आज के दिन की, कि आज का दिन
जीवन में कभी भी वापिस नहीं आएगा। जो जीवन तुम जी ही चुके अब वो लौटेगा नहीं। जो व्यक्ति गया, जिसका संगात गया ही, अब वो लौटेगा नहीं। लेकिन जो जीवन हाथ में है, उसका सदुपयोग, उसका ठीक ठीक उपयोग, इसलिए कि हम क्यों दुखी दुखी ही जीवन जिए। कला है कि कोई भी परिस्थिति हो, मुझे छू न सके। ये भारत का तत्व ज्ञान, ये भारत का मार्गदर्शन। अनेक लोगों ने यहां जाना और मार्गदर्शन दिया मनुष्य को। अनेक अनेक विभूति पैदा हुई इस धरती पर जिसने मार्गदर्शन दिया कि तुम परम समृद्ध हो। ये परम समृद्धि बाहर की समृद्धि की बात नहीं है, ये समृद्धि है भीतर की, कि तुम तुम्हारे भीतर जिस दिन शांति प्राप्त कर लेते हो, शांति, बाहर का धन हो तो उसका सदुपयोग, यहां वहां नहीं, ना हो कोई फरियाद नहीं, हो तो उसका सदुपयोग। इस तरह से सदुपयोग कि इस धन से और लोग भी शांति को छुए, जाने, समझे, ऐसा प्रयत्न करें, और ना हो तुम तुम्हारे में स्थिर। लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसा तुमने अपने को जाना समझा, परमात्मा को देखा जाना समझा, बांटना शुरू हो जाता है, अपने आप बांटना शुरू हो जाता है। परम संपदा, परम संपदा की निशानी है जो बांटने से बढ़े, घटे उसे परम संपदा नहीं कही जा सकती। तुम्हारे पास परम संपदा है कि नहीं, वो इस तरह से पता चलता है। तुम बांटो, अगर बढ़ी तो समझना परम संपदा, घटी तो समझना लौकिक संपदा। और डरने की जरूरत भी नहीं, घटी तो घट गई है, बढ़ी बढ़ गई। किस तरह से जीवन को समझा जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ उसका स्वाद लिया जा सकता है, क्या विज्ञान है इसका, मैं तुम्हें बताऊं। तुम आज मेरे समक्ष बैठे हो, ऐसे ही नहीं आ सकते। तुमने अपने जीवन में काम किया, जैसा भी किया, जीवन को समझने के लिए जो कुछ भी तुमने किया, इसका परिणाम आया कि आज तुम्हारे कान पर कुछ ऐसा पड़ रहा है जो आगे का जीवन है तुम्हारा, आगे का जीवन, इसके लिए अपने आप मार्गदर्शन आ जाता है। अपने तुम मेरे पास नहीं, तुम किसी और के पास चले गए होते तो उसके शब्द भी, ये प्रक्रिया होती है, अपने आप परिणाम आता है जीवन में, परिणाम अपने आप तुम्हारे लिए जो जरूरी मार्गदर्शन है तुम्हारे कान पर आ जाता है अपने आप। ये इसका रहस्य है, जिसे मैं कहता हूं आत्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, इसका रहस्य है। जितना हमारी क्षमता है जीवन कैसे जीना है, जितनी हमारी क्षमता है हमें काम कर लेना है, जितनी हमारी क्षमता है, और तुम करते ही हो। जैसे अभी तुम मेरे पास बैठने का तुमने प्रयत्न किया, दिव्य वाणी सुनने का प्रयत्न किया, चाहे कुछ मेरी बातें तुमने स्वीकार की, कुछ नहीं की, ये परिणाम, ये तुम्हारी जीवन की यात्रा है। तुम्हारे जीवन की यात्रा से जो तुम्हारा मन विकसित हुआ, तुम्हारा भाव शरीर विकसित हुआ, अंतर जगत विकसित हुआ, इसके अनुसार तुम्हें मेरी कुछ बातें समझ में आएगी, कुछ लगेगा ना ये ठीक नहीं है अभी, लेकिन ये तुम्हारे पर है। मैं नहीं कहूंगा कि मैं कहता हूं इसलिए तुम मान ही लो, ये मैं नहीं कहता, लेकिन इनकार भी मत करना, ये विज्ञान है। विज्ञान तुम ऐसा समझो कि ये जो सिद्धांत है उससे हमें जीकर देखना है, जीकर कि क्या यह संभव है तीन आंखों से जीना,
दो आंखों से बाहर का संपर्क, तीसरी आंख से भीतर के जगत का संपर्क, और एक क्षण के बाद नहीं, अभी अभी ही तुम करने का प्रयत्न करो कि यह संभव है। जितना हमारा सामर्थ्य है जीवन को समझने का, जीवन को जीने का, उतना करना ही है, उतना करना। जैसे कि मैं आऊंगा 5 बजे तुम्हारे बीच, स्वास्थ्य महापूजा, मैं महापूजा का नाम दूंगा, क्योंकि और महापूजा तो तुम कर ही रहे हो, मैं तुम्हें दूंगा स्वास्थ्य महापूजा, जिसमें शरीर का स्वास्थ्य, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर आपका व्यवस्थित, आपका मन व्यवस्थित ही, आपका भाव शरीर व्यवस्थित ही, और जैसा आपका शरीर सुव्यवस्थित, अपने आप आपकी शक्ति ऊर्ध्वगामी। तीसरे नेत्र का संपर्क, आज्ञा चक्र का संपर्क। आज्ञा चक्र का अर्थ है जहां से परमात्मा हमें आज्ञा देता है, इस क्षण तुम ऐसे जियो, ये क्षण में तुम ये करो, इतना बोलो, इतना करो। हमारे पास हमारा ऊर्ध्वगामी क्षेत्र है, जहां से दिव्य प्रेरणा हमें प्राप्त होती है, दिव्य प्रेरणा। मुसीबत जो है, मुसीबत, एक मुसीबत अगर तुमने जीवन में ठीक से पार की, एक ही मुसीबत केवल, तुम बहुत कुछ जान लोगे। मैं तो ऐसा कहता हूं, ठीक से तुमने मुसीबत पार की, जिससे हम भागते हैं, जैसे कि दुख है, पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, भय है, चिंता है, 7 मुख वाला जो हमें हैरान कर रहा है, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, ये 7 मुख वाला असुर हमारे भीतर जो हमें हिला रहा है, हैरान कर रहा है, उसमें से कोई भी एक मुख तुम्हारे समक्ष आ जाए, कोई भी, चाहे वो दुख हो, चाहे वो पीड़ा हो, चाहे वो संताप हो, चाहे वो हताशा हो, निराशा हो, भय हो, चिंता, कोई भी एक तुमने ठीक से पार किया बिना भागे, 100% के आज मैं देख ही लूं कि हो क्या जाता है, कोई मुसीबत आ गई है, वो मेरा क्या बिगाड़ लेती है, तुम भूल गए। आज तक तुमने अनेक मुसीबतें सामना की है, अनेक, लेकिन फिर मन विस्मृत हो जाता है, विस्मृत, नई मुसीबत में तुम घबरा जाते हो कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो के क्या हो जाएगा, चलो हो के क्या हो जाएगा, मृत्यु। तुम देखो मन का जो भय है कि चलो इस मुसीबत है जो मेरे सामने, वो कहां पहुंचाता है, तुम्हारा मन की कल्पना कहां पहुंचाती है, तुम जाओ उसके पीछे कि मन को देखो, सारा डर वहां है, ना मुसीबत में कोई भय है, ना शरीर में कोई भय है, जो भी भय है वो मन में है, मन कल्पना करता है, विचार करता है, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर उसे करने दो, चलो कहां तक जाते हो, फिर क्या हो जाएगा, मृत्यु। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर तुम भाग गए मुसीबत से तो तुम मृत्यु से बच जाओ, सबसे बड़ी मुसीबत ही यही है कि किस तरह से हम मृत्यु को पार करें। मृत्यु को पार करने का अर्थ है शरीर से ऊपर उठ जाना। यमराज की पहुंच मैं तुम्हें बताता हूं, शरीर, वो इसलिए हमें डरा रहा है कि हमें शरीर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, शरीर के इर्द गिर्द खाली, इंद्रियगत भोग विलास इज नॉट द अल्टीमेट लाइफ, इससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर समझना है। जैसे 5 बजे स्वास्थ्य महापूजा, जो भी यहां है उसे भाग लेना है, जितना भी तुम कर सको, जितना भी, जब तक तुम्हें अच्छा लगे। तुम देखो ये मेरा हाथ यहां ही जाता है, चलो यहां से उठा लिया, उठ गए,
मैं तुम्हारे समक्ष, मैं तुम्हारी श्रद्धा, मैं तुम्हारा विश्वास, कि मेरा हाथ देखो, मैं तुम्हें स्वास्थ्य मां पूजा करवा रहा हूं, मेरा एक हाथ ऊपर जाता है, देखो दूसरा धीरे धीरे ऊपर जाए, जितना जाए करना, जितना जाए। ये इतना पवित्र दर्शन है कि आज हमारे बीच जैसे मनोहर है, ऐसे युवान है, मनोहर है, महामृत्यु है, इसके शरीर की स्ट्रेचबिलिटी खाली दर्शन करना। ये लोग जो शरीर की स्ट्रेचबिलिटी है, आसन कर रहे हैं, इसका दर्शन मात्र पवित्र शक्ति का संपर्क करवाता है। ये दर्शन है, देख रहे हो आप आंख से कि इसका वृषिकासन इस तरह से हो रहा है, इसका शीर्षासन इस तरह से हो रहा है। तुम भले न करो, तुम न करो, ये जरूरी नहीं, जितनी हमारी शरीर की क्षमता, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन। लेकिन जो युवान है अभी, जिसके शरीर स्ट्रेचेबल है, छोटे बच्चे हैं, तो ये लोग देखेंगे कि इस तरह से भी शरीर बेंड हो सकता है, तो उसे प्रेरणा मिल जाएगी। आगे रात, रात सीधा नहीं सोना है, तुम भले सो जाओ, तुम्हारी स्वतंत्रता है, मैं तुम्हारी स्वतंत्रता छीनूंगा नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता जहां जहां बंद है वहां से भी मैं उखेड़ के तुम्हें दे दूंगा कि लो यहां यहां तुम्हारी स्वतंत्रता बंद थी। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, ये प्रयोग को चुकना नहीं। धरती का पहला प्रयोग तुम देखो कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं, कि मैं जितनी क्षमता है, मेरी जितनी क्षमता, कम से कम एक घंटा, कम से कम एक घंटा ट्राई करूंगा बैठने का, कि तुम मेरे बांसुरी के स्वर तुम्हारे कान में जाने दो, ताकि पूरे दिन में जो मन प्रकट हुआ है, प्रकट विचार की श्रृंखलाएं चली है तुम्हारे भीतर, उसके साथ साथ निद्रा में नहीं जाना है, उसके साथ साथ निद्रा से पहले अपने को पूरा पवित्र कर देना है, पूरा पवित्र, शुद्ध। जिस तरह से सुबह में स्नान करते हैं, अगर व्यवस्थित लगे, शरीर आपका अच्छा है, शाम को भी स्नान कर लेना है, लेकिन जड़ता नहीं। धर्म डजंट मीन जड़ता, समझ कि मेरे शरीर के लिए जरूरी है, ये शरीर की शुद्धि हुई। लेकिन हम निद्रा में कैसे जाते हैं, बिस्तर पर काम करते करते अचानक फिर लाइट बंद करके सीधा सो जाते हैं, फिर भयानक विचार, भयानक चिंता है जो पूरे दिन चला है, पूरे दिन सबको पता है तुमने जो काम किया है, उसके विचार कल्पना, उसके साथ हम निद्रा में जाते हैं, संपूर्ण अवैज्ञानिक, संपूर्ण अवैज्ञानिक। निद्रा में जाने से पहले संगीत का श्रवण, बांसुरी, बांसुरी अर्थात वास, प्रकृति, प्योर प्रकृति, शुद्ध, शुद्ध गीत, इस तरह से शुद्ध संगीत, बांसुरी का स्वर तुम्हारे कान में जाने दो। इसकी जो प्रगाढ़ता है स्वर की, इसका विज्ञान समझे, अपने आप जो अशांति है भीतर की, तुम अनुभव करो कि ये बात सच है कि झूठ है। और जब तुम आ ही गए हो तो इसका विज्ञान पूरा समझ लो, इस स्थान का विज्ञान पूरा समझ लो। मेरा मार्गदर्शन ऐसा होगा, रात को सोने से पहले एक घंटा अंतर्मुख हो जाओ, किसी से कोई बिन जरूरी बातचीत नहीं, अपने में स्थिर। अभी तो मैं आ ही रहा हूं तुम्हें विदा करने के लिए, कि तुम जा रहे हो अपने भीतर यात्रा करने के लिए। सी ऑफ कहते हैं इसे, सी थोड़े थोड़ा इंग्लिश मुझे आता है, इसे कहते हैं सी। मैं तुम्हें विदा कर रहा हूं, तुम्हारे जगत में तुम प्रविष्ट हो रहे हो। उससे पहले जिस तरह से माँ बाप आते हैं ना छोड़ने के लिए, अपने बच्चे जब जाते हैं यहां से विदेश प्लेन पर छोड़ने आते हैं सी ऑफ करने के लिए, इस तरह से मैं आता हूं कि तुम डायरेक्ट मत चले जाना निद्रा में, इससे पहले अपने को पूरा शांत कर लो। शांत, तुम्हारी निद्रा जितनी प्रगाढ़, तुम्हारी निद्रा जितनी स्वप्न रही,
तुम्हारा शरीर पूरा रिलैक्स होना चाहिए। निद्रा का क्या उद्देश्य है? चलो, निद्रा का विज्ञान क्या है? जो थक गया शरीर पूरे दिन श्रम करते करते करते, तुम्हें पता हो ना हो, कोने कोने में जरूरी है अब विश्राम। उस विश्राम को देना है पूरा। जितना तुम विश्राम पाओगे रात की निद्रा में, कैसे पता चलेगा? तुम उठोगे नए उत्साह के साथ, ये निशानी है। तुम उठोगे दिव्य प्रेरणा के साथ, दिव्य प्रेरणा, नई प्रेरणा, जीवन की नई प्रेरणा। आज का दिन उत्साह के साथ, थके थके नहीं, मांदे मांदे नहीं, बोझ बोझ नहीं, बोझ बोझ। आज का दिन फिर उठना पड़ेगा, फिर ये काम, फिर वो काम, बोझ नहीं। और अगर लगता भी है तुम चिंता मत करना, अपने आप परमात्मा तुम्हारे अंदर, बाहर भी नहीं, परमात्मा तुम्हारे अंदर। कोई माँ बाप अपना बच्चा दुखी हो ऐसा देख नहीं सकता, अपने आप मार्गदर्शन आ जाता है कि क्या करना है, किस तरह से जीवन को आगे समझना है, जीना है। प्रगाढ़ निद्रा, प्रगाढ़ निद्रा। आगे का जो पृथ्वी का भविष्य है इसमें भी समझना, समझदार लोगों के लिए जो प्रगाढ़ निद्रा है आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ा देती है, आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, उसका संबंध प्रगाढ़ निद्रा से। जितनी आपकी निद्रा प्रगाढ़, आप उठोगे, तुम्हें स्मरण करना है कि आज मैं निद्रा से जागू, मैं रोज तुम्हें स्मरण करवाऊंगा। रोज निद्रा से तुम जागे तब कौन सा पहला विचार था, किस तरह का भाव था, प्रसन्नता थी या बोझ? तुम डरना नहीं, बोझ है तो भी डरना नहीं, उसका भी मार्गदर्शन है। जो अभी मेरा मार्गदर्शन है, तुम बांसुरी सुनना शुरू कर दो। और लाइव प्रयोग, लाइव ये प्रयोग है 15 मार्च तक का, आगे क्यों नहीं ये लाइव? क्योंकि इसमें अभी विज्ञान ऐसा है कि दीप का प्रागट्य जरूरी, रात को दीप का, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब दीप का प्रागट्य काम नहीं आता। अभी अभी मैं समझा रहा हूं जो विज्ञान आपको, ये विज्ञान है इसका प्रकट करने का, कि आंखों से तुम दीपक की रोशनी को देखो। जो मैंने वस्त्र धारण किए हैं उसके रंगों का भी आपके मन के ऊपर असर है, विविध रंगों का असर है हमारे भीतर। जिस तरह से तुम्हारे कान में स्वर जाते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत को ठीक से समझना है, ये मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने का। ये स्टेज प्रोग्राम नहीं, ये मेंटल वर्क नहीं है। राग है वो खाली मानसिक प्रक्रिया नहीं है, इसका विज्ञान है। हर राग का अपना एक चौकस स्वरों का समुदाय है, उसका हमारे शरीर के विविध चक्रों पर विविध असर है। जो तुम प्रत्येक दिन सुनते जाओ और भीतर अनुभव करते जाओ कि आज का जो राग है तो मेरे पर क्या असर हुआ, कितना गहरा गया, मुझे छुआ नहीं छुआ, अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, ये सारे परिणाम। लेकिन सुनना, देखना दीप के प्रागट्य को, क्योंकि ये प्रयोग संपूर्ण नया, और मैं तुम्हें परिचित कर रहा हूं, और जिसे सुनना अच्छा ही लग रहा है सुनो ही, जब तक क्षमता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, तुम 1 मिनट ही, ये औपचारिकता नहीं समझना, फॉर्मेलिटी नहीं। मैं तुम ऐसा ही कहता हूं, दिस इज द कंपल्सरी, यू हैव टू सीट एंड वॉच एंड लिसन, दिस इज यूनिवर्सिटी, एडवांस यूनिवर्सिटी ऑन द अर्थ। कोई कंपल्सन नहीं, कोई कंपल्सन, ये मेरा खाली मार्गदर्शन है तुमसे, कि तुम परिचित नहीं हो इस विषय से, तुम परिचित नहीं हो, तो मैं तुम्हें परिचित कर रहा हूं कि तुम 1 मिनट के लिए भी आ जाना दीप का दर्शन करना, थोड़ी बांसुरी पढ़ने दो फिर सो जाओ। तुम्हें लगता है अब मेरा बैठना संभव नहीं, तुम चले जाओ अपने बिस्तर पर और विश्राम में चले जाओ।
कौन पहचान सकता है इस राग को? This राग is known as चारू केसी, अर्थात चांदनी, जो चंद्र की आभा है, चंद्र का जो प्रकाश फैलता है पूरे विश्व में। चंद्र तो वहां है आकाश में, लेकिन उसका प्रकाश जो हमें छूता है, उस प्रकाश की ओरा को कहते हैं चारू केसी, चांदनी। Thank you.
और इसका थोड़ा विज्ञान कह दूं, जैसे कि ये सारी रचनाएं चारुकेशी राग की सर्वश्रेष्ठ रचना है, मेरी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ रचना है कि जो फिल्म संगीतकारों ने चारुकेशी राग को फिल्म के संगीत में महत्व दिया या उसे प्रकट किया। अब इसका विज्ञान ऐसा है, समझ लो कि ये रचना है किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चलना देना तू छोड़ कर मेरे सफर मेरे सफर। समझ लो कि एक संगीतकार इस रचना को प्रकट करता है, उसे पता नहीं चारों के इसी राग की जो विद्युत है ये प्रेरणा कई ओर से आती है, ये प्रेरणा प्रकट होती है उसके शरीर के माध्यम से, उसकी जो निपुणता है राग की निपुणता इसकी है संगीतकार की, लेकिन प्रेरणा कहीं और से आती है। इसका विज्ञान ऐसा है, समझ लो आज ये राग में प्रकट करने जा रहा हूं चारुकेशी, तो जो प्रेरणा इस संगीतकार को छुई उसमें से प्रकट हुई सही प्रेरणा जो भी चारुकेशी बजाएगा उसको छुएगी, लेकिन अब उसका सामर्थ्य है, जैसे कि शंकर जय किशन बजाएंगे तो उसका सामर्थ्य मुझसे ज्यादा है, संगीत पर निपुणता ज्यादा है, तो वो प्रेरणा को ज्यादा गहराई से प्रकट कर सकेंगे। मैं बजाऊंगा तो जो जितना मेरा सामर्थ्य है उतना, लेकिन ये प्रेरणा नष्ट नहीं होगी। मैं तुम्हें यह विज्ञान ये समझाता हूं, जैसे कि ये रचना आज से सालों पहले जो मैंने चारुकेशी राग आपको जो रचना है मैंने सुनाई, उस समय में थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में था जामनगर में, जिसमें ये रचना मेरे कान पर पड़ी और समय जाते मुझे पता चला कि इस राग को कहते हैं चारुकेशी। अब ये रचना एक संगीतकार के माध्यम से प्रकट हुई, ये दिव्य शक्ति आज भी है, समझने की कोशिश करना, ये शक्ति नष्ट नहीं होती। अगर मैं चारुकेशी बजाऊं तो ये चारुकेशी की जो शक्ति है वो मुझसे भी प्रकट होना शुरू हो जाती है, ये चारुकेशी अगर रश्मिन बजाए तो उसके द्वारा भी ये प्रकट होना शुरू हो जाती, ये नहीं मरते, ये शक्ति मरती नहीं समाप्त नहीं होती। तो मेरा प्रयोग है कि इस तरह की जो रचनाएं प्रकट हुई ये सामान्य रचनाएं नहीं है, बाहर से आपको लगेगी कि ये फिल्म के लिए बनी हुई है, लेकिन इसके जो अंदर का विज्ञान हम समझे तो ये दिव्य चेतना संपर्क करती है, संगीत का मार्गदर्शन अपने आप प्रकट होता है कि यहां इसको इस तरह से करो, इस स्वर को इस तरह से ले जाओ, इस स्वर को इस तरह से ले जाओ, ये इसका विज्ञान है। धीरे धीरे मैं आपको परिचित कर रहा हूं, लेकिन आज जो मैं कह रहा हूं वो इतना कह रहा हूं कि ये जो रचना प्रकट होती है कभी कोई संगीतकार ने एक संगीत बनाया, लेकिन आज भी वो जीवंत है, आज भी वो जैसा ही तुम राग प्रकट करते हो ये सारी दिव्य जो भी चेतना है इस राग के साथ जुड़ी होती है, इसका मार्गदर्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट करने जा रहा हूं वो दिव्य कला। दिव्य कला का अर्थ है हर सुनने वाला उसका केंद्र है, हर सुनने वाला, ये प्रतिक्षण प्रकट होती है ये कला, प्रतिक्षण कुछ बात मैं तय करके आता हूं कि इसको इस तरह से लेना है, इस ताल में लेना है इस तरह, लेकिन जैसे तुम्हारे कान पर जाता है स्वर और तुमसे जो शक्ति प्रकट होती है, अच्छा लगता है ना लगता है, कुछ याद आ रहा है पुराना, कुछ संबंध है तुम्हारा कई पुराने जीवन के साथ, वो बाहर आता है, उसकी शक्ति भी इस राग को प्रकट करने में सहाय रूप होती है, ये इसका विज्ञान है। हम प्रवेश करेंगे शांति मंत्र में, जिसके लिए आंखों को बंद कर देंगे, रेख को सीधे रखेंगे,
हम शांति मंत्र में प्रवेश करें इससे पहले मानसिक प्रक्रिया से गुजरे, आंखों को बंद रखें। पिछले 24 घंटों में किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आपने असत्य बोला है, झूठ बोला है, तो आप स्मरण कर लें। अंतर जगत की शुद्धि की प्रक्रिया पिछले 24 घंटों में इस जगत की किसी भी व्यक्ति के साथ आपने असत्य बोला है, झूठ बोला है, तो उसको खाली स्मरण कर ले। हमारा असत्य हमसे वंचित नहीं रहना चाहिए। हमारे ध्यान से बाहर नहीं रहना चाहिए। हम प्रवेश करेंगे शांति मंत्र में। पहले ध्यान केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र दो भ्रमर के बीच। विज्ञान समझे शांति मंत्र का। तीन शांति शब्द है। प्रथम शांति में आज्ञा चक्र से ध्यान केंद्रित करेंगे नाभि केंद्र। दूसरे शांति में मूलाधार चक्र अर्थात आपके शरीर का निम्नतम हिस्सा धरती माता की गोद को छूता है, उसके स्पर्श की संवेदना। तीसरे शांति में हृदय चक्र अर्थात छाती का मध्य स्थान। और जैसे ही शांति समाप्त हो जाए तीन उच्चारण फिर से आपका ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। प्रवेश करेंगे पवित्र मंत्र शांति मंत्र का उच्चारण मेरे साथ। ओ दो भ्रमर के बीच छाती के पास दो हाथों से नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करो। परम शक्ति पराशक्ति आद्य शक्ति शुद्ध शक्ति तटस्थ शक्ति से संपर्क बनाने की सरलतम विधि नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा। शांति मंत्र का अर्थ गठन केवल श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र के सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे मूलाधार चक्र की काम केंद्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का परम शांति का अनुभव करते रहे। धीरे धीरे विद द फुल कंट्रोल ऑन आई मसल्स धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ओपन द आईज वॉच स्ट्रेट। आपकी नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा बदले अंजलि मुद्रा में। जैसे आपके हाथ में भिक्षा पात्र है, आप भिक्षुक हो, परमात्मा से भिक्षा मांगे। हम सब सदा हमारे बाहर
परम शांति का अनुभव करते रहे। आपका भिक्षा पात्र भर गया, पूरे विश्व में फैलाए, हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा टच करे, आज्ञा चक्र अर्थात दो भ्रमर के बीच हल्का सा स्पर्श दे। मैं आपके समक्ष कर ही रहा हूं, देखना है तो समझे इस प्रक्रिया को। हल्का सा टच दे, अब आपका राइट हैंड खोल दे। मैं आपके समक्ष इस तरह से रखे साइड से राइट हैंड को, जैसे खड़ा तिलक करते हैं। खड़ा तिलक का विज्ञान है आज्ञा चक्र की शक्ति सहस्त्रार की शक्ति से एक करना, जोड़ना दो प्रदेश को। टच करे आपका राइट हैंड साइड से, स्पर्श का अनुभव करे। राइट हैंड ऊपर उठाए, आपकी खोपड़ी के ऊपर रखे, स्कल के ऊपर, जिस तरह से शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर पांच फैंड वाला नाग, ये है हमारा दिव्य प्रेरणा क्षेत्र। इससे परिचय बनाए। ये क्षेत्र शुद्ध होने से हम दिव्य चेतनाओं का संपर्क करते हैं, दिव्य भावना, दिव्य विचार, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं इस क्षेत्र से, इसकी शुद्धि की प्रक्रिया। कोई भी अनिष्ट तत्व, अनिष्ट विचार, अनिष्ट भाव, अनिष्ट आत्मिक तरंगे हमें छू नहीं सकती। इस प्रक्रिया से संपर्क बनाए। आपका राइट हैंड धीरे धीरे, मैं आपके समक्ष कर ही रहा हूं, धीरे धीरे मस्तिष्क के पीछे गर्दन तक ले जाए। वहां से आराम से फिर से एक बार के मध्य केंद्र के पास नमस्कार वंदन प्रणाम की पवित्र मुद्रा धारण करे। आपका ध्यान केंद्रित करे आज्ञा चक्र दो भ्रमर के बीच, पराशक्ति आद्य शक्ति तटस्थ शक्ति शुद्ध शक्ति से संबंध बनाए आपका। यहां पर दिव्यवाणी के पवित्र श्रवण की प्रक्रिया समाप्त करते हैं। वस्तु आरती के लिए आ जाए।